इल्म की रोशनी अपने अंदर जगाएं क्योंकि वो अंधेरों को दूर भगाएगी और आपको सच्चाई के रास्ते पर गामजान करेगी सखावत एक खूबसूरत फूल है जो मुश्किल से उगता है लेकिन उसकी खुशबू दुनिया को मोतर कर देती है जुल्म के सामने खामोश रहना गोया उसकी हिमायत करना है दुनिया एक मुसाफिर खाना है इसमें रहने वाले मुसाफिर हैं यहाँ कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं इस हकीकत को ना भूलें और अपने इखलाक को सवारें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें और अच्छा लिखें क्योंकि आपके ख्यालात और अल्फाज आपकी शख्सियत की, की अकाशी करते हैं इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं हमेशा सीखने के अमल में रहें और अपनी दानश को दूसरों के साथ बांटें जो शख्स सच बोलता है और हक पर डटा रहता है वही हकीकी बादशाह है अपनी कमजोरियों से लड़ें और उनसे सबक सीखें कमजोरियों का सामना करना उनसे भागने से बेहतर है अल्लाह की राह में खिदमत करना और इंसानियत की भलाई के लिए काम करना ही ज़िंदगी का हकीकी मकसद है हमेशा अल्लाह से दुआ मांगें और उससे मदद तलब करें क्योंकि वो हर मुश्किल का हल जानने वाला है गरीब और मोहताज की मदद करना एक अजीम अमल है अपने वादे पूरे करें क्योंकि वादा खिलाफी आपकी इज्जत और साख को नुकसान पहुंचाती है अपने वक्त की कदर करें और उसे अच्छे कामों में गुजारें क्योंकि वक्त एक कीमती नेमत है अपने आप को और अपने अहले खाना को गुनाहों से बचाएं क्योंकि गुनाह इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं सब्र और शुक्र की आदत डालें क्योंकि सब्र मुश्किल वक्त में मददगार होता है और शुक्र नेमतों में इजाफ़े का सबब बनता है अपने नफ्स को कंट्रोल में रखें और उसे गलत कामों से रोकें क्योंकि नफ्स इंसानी दुश्मन है माफ़ी एक अजीम खूबी है दूसरों को माफ़ करने से आपके दिल में सुकून और खुशी पैदा होगी ग़ुस्से में फैसला ना करें क्योंकि गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें और उनकी बातों से सीखें क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का तजर्बा और होता है हसद एक जहर है जो इंसान को अंदर से खा जाता है उससे दूर रहें दुनिया की मोहब्बत आखरत की ज़िंदगी को दुनियावी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत दें क्योंकि यही हकीकी ज़िंदगी है दिल को अंधा और बेहस कर देती है उससे बचें दूसरों के अयूब तलाश करने से पहले अपने अयूब को देखें मौत एक हकीकत है उससे डरने के बजाय उसके लिए तैयारी करें अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझें क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी खूबी और खामी होती है आखरत की ज़िंदगी को दुनियावी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत दें क्योंकि यह हकी ज़िंदगी है दुनिया एक इम्तहान गाह है उसमें कामयाब होने के लिए अल्लाह की रजा को अपना मकसद बनाएं। अल्लाह से डरें और उसकी एतात करें क्योंकि यही कामयाबी और निजात का रास्ता है अपनी ज़िंदगी को सादा और परहेजगार बनाएं, क्योंकि उसमें ही सुकून और ख़ुशी है दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें क्योंकि अच्छा बर्ताव ही इंसान को महबूब बनाता है अपने इल्म और हिकमत को दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि ये एक अजीम अमल है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं चाहे आपको उसकी वजह से मुश्किल का सामना करना पड़े हक और सच के लिए हमेशा डटे रहें चाहे आप अकेले ही रह जाएं। अपने आप को और अपने अहले खाना को अल्लाह की इबादत में लगाएं क्योंकि यही निजात का रास्ता है दूसरों की गिबत और चुगली ना करें क्योंकि ये एक गुनाह है झूठ बोलने से बचें क्योंकि झूठ इंसान को जलील और रुसवा करता है अपने वादे पूरे करें क्योंकि वादा ख़िलाफ़ी इंसान की इज़्ज़त और साख को नुकसान पहुंचाती है अपने वक्त की कदर करें और उसे अच्छे कामों में गुजारें क्योंकि वक्त एक कीमती नेमत है अपने नफ्स को कंट्रोल में रखें और उसे गलत कामों से रोकें क्योंकि नफ्स इंसानी दुश्मन है दोस्त बनाने से पहले अपने दिल में एक वसी कब्रस्तान बनाओ ताकि उसमें उसकी खामियां दफन कर सको अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें और उनकी बातों से सीखें क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा और इल्म होता है अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें और उन्हें नेक इखलाकी सिखाएं। क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है हमेशा अल्लाह से दुआ मांगें और उससे मदद तलब करें क्योंकि वो हर मुश्किल का हल जानने वाला है दुनिया एक फ़ानी चीज़ है उस पर दिल ना लगाएं। आखरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है इसके लिए तैयारी करें दुनिया एक समंदर है और इंसान उसमें एक कश्ती इल्म और अकल उस कश्ती के पत्ते हैं जो उसे सही रास्ते पर गामजा रखते हैं जो शख्स अकल से काम लेता है वो ज़िंदगी में बहुत से खतरात से बच जाता है जो शख्स इल्म हासिल करता है वो दुनिया और आखरत दोनों में कामयाब होता है जो शख्स सब्र करता है वो अल्लाह की रज़ा और जन्नत का सवाब हासिल करता है